गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छतगण, हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पर सीधी नजर आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। छतगण, जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बहुत बेबाक तरीके से और स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि उस समय आपको अन्य किसी भी चीजों पर, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह गर्लफ्रेंड की बातें हों, चाहे वह आपको किसी भी प्रकार के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने वाली बातें हों, डर हो, भय हो, या कोई भी ऐसी बात जिससे मन में एक डर का वातावरण कायम हो, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए छात्रगण। छात्रगण, क्योंकि जहां आप रास्ता भटके वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा छात्रगण, गलत रास्ते से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए संसाधनों का सही इस्तेमाल करें, गलत संगति से बचें, गलत दोस्तों को त्यागें, अच्छी संगति अपनाएं और विचारों की शुद्धता लाएं। छतगण, मनुष्य एक महत्वाकांक्षी प्राणी है तथा उसकी इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए यह संभव नहीं है। किसी की इच्छा होती कि मेरी शादी कैटरीना कैफ से हो जाए, तो क्या यह संभव है? नहीं छतगण, यह संभव नहीं है। जब सलमान खान से नहीं हुई तो आम आदमी के साथ कैसे हो सकती है? छतगण, हर व्यक्ति का ख्वाब होता है कि मैं हेलीकॉप्टर में घूमू, मैं मुकेश अंबानी जैसा रईस बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। ठीक है, सपने देखना चाहिए छतगण, लेकिन ऐसे ख्वाब जिनकी पूर्ति के लिए आपका मन अशांत हो जाए, ऐसे ख्वाबों को त्यागना ही उचित है। इसलिए छतगण, जिंदगी को वास्तविकता के साथ जिए, सभी प्रकार के गलत चीजों, पाप, अहंकार, गलत आदतें, हर चीज को जो कि आपके जीवन में विकृतियां लाती हैं, त्याग करके जीवन की ओर आगे बढ़ें तो जीवन जीने में अजीब आनंद, मस्ती भरा माहौल और एक सुकून आपको मिलेगा जो कि सफलता के रास्ते में आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। छतगण, इन्हीं सब शुभकामनाओं, सकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों के साथ कक्षाओं की मैं शुरुआत कर रहा हूं। छतगण, वैदिक सभ्यता की शुरुआत हम लोगों ने की थी विगत कक्षाओं में। वैदिक सभ्यता की सामाजिक दशा हम लोग छतगण पढ़ रहे थे, है ना, उसी को आगे बढ़ेंगे। छतगण लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल का समाज कबीला प्रधान था। नेक्स्ट, कबीला को जन कहा जाता था, जन कहा जाता था, तथा इसके प्रमुख को राजन कहते थे, इसके प्रमुख को राजन कहते थे। नेक्स्ट, राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण पद पुरोहित का होता था, पुरोहित का होता था। नेक्स्ट, गुप्तचर को स्पर्श कहते थे, गुप्तचर को स्पर्श कहते थे। नेक्स्ट, चारागाह के प्रमुख पदाधिकारी को वाज्रपति कहते थे, चारागाह के प्रमुख पदाधिकारी को वाज्रपति कहते थे। नेक्स्ट, परिवार के प्रमुख को कुलप कहा जाता था, परिवार के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार तथा विष शब्द का उल्लेख 170 बार है। 170 बार है, है। यह छदगन ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। अब हेडिंग बनेगा छदगन ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक दशा। छदगन ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? कबीला प्रधान था। कबीला के प्रमुख को क्या कहा जाता था छदगन? राजन कहा जाता था। राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी कौन सा होता था छदगन? पुरोहित होता था छदगन। गुप्तचर को क्या कहते थे? स्पर्श कहते थे। चारागाह के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहते थे? वज्रपति कहा जाता था। चारागाह के सर्वोच्च पदाधिकारी को वज्रपति कहते थे। ध्यान रखेंगे छदगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसमें भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को छदगन याद रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। छदगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, याद रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल में परिवार के प्रमुख को कुलप कहा जाता था, है ना। परिवार के प्रमुख को क्या कहते थे छदगन? कुलप कहा जाता था, है ना। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छदगन। ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिला है, विष का उल्लेख 170 बार मिला है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हेडिंग बनाएंगे छात्रगण ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक दशा। धार्मिक दशा लिखेंगे छात्रगण, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी देवताएं, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी देवताएं लिखेगा। नंबर एक इंद्र लिखे। ये ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इन पर ऋग्वेद में 250 सूक्त वर्णित हैं। इन पर ऋग्वेद में 250 सूक्त वर्णित हैं। नेक्स्ट, इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता कहा गया है। नेक्स्ट, इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों या दुर्गों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। किलों या दुर्गों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। छदगन ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र पर ऋग्वेद में कितने सूक्त दोहे वर्णित हैं? 250 सूक्त या दोहे वर्णित हैं। ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार मिलता है? इंद्र देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार मिलता है छदगन, ध्यान रखिएगा। वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र थे। युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र थे। किस देवता को पुरंदर भी कहा गया है? इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किलों या दुर्गों को तोड़ने वाला, जो दुर्गों को तोड़े, किलों को तोड़े, उसे ही इंद्र कहा गया है, उसे ही पुरंदर कहा गया है छात्रगण, याद रखेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का। पहली निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को छतगन याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र भी अपने आप में, अगले देवता का नाम लिखेंगे छतगन, अग्नि, अग्निदेव, सब डरते हैं इनसे, लेकिन ये देवता बहुत सृजनात्मक भी हैं। आप भोजन पकाते हैं अग्निदेव पर, यज्ञ करते हैं अग्निदेव के द्वारा, तो अग्निदेव सृजनशील भी हैं छतगन। अग्नि लिखे ऋग्वैदिक काल के ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, देवता थे। नेक्स्ट, इन पर ऋग्वेद में 200 सूक्त वर्णित हैं, ऋग्वेद में 200 सूक्त वर्णित हैं। नेक्स्ट, अग्नि को देवताओं और मानव के बीच, देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थ देव, मानव के बीच मध्यस्थ देव कहा गया है। देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थ देव कहा गया है, कहा गया है। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, ऋग्वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि है। अग्नि पर ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं। मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ देव किसे कहा गया है? अग्नि को कहा गया है, क्योंकि छतगन किसी भी देवता को या भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप हवन कुंड में अग्नि ही प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ में अग्नि का ही प्रयोग होता है, उसी में आप उस देवता की स्तुति करते हैं, अर्घ देते हैं और वह देवता प्रसन्न हो जाते हैं। छतगन ध्यान रखेंगे, इसलिए अग्निदेव को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ देव कहा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी याद रखना होगा। तो ऋग्वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि थे। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। एक एक चीजों को पहले निगाह रखें, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को गौर करें, एक एक चीजों को छतगन याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको पहले निगाह रखें होगी। अगले देवता का नाम लिखेगा वरुण, वरुण ये ऋग्वैदिक काल के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। नेक्स्ट, इन्हें जल का देवता, सृष्टि का नियामक, ऋतु परिवर्तन का देवता, समुद्र का देवता, दिन रात का कर्ता धरता, कर्ता धरता कहा गया है, कर्ता धरता कहा गया है, है। पूछेगा ऋग्वैदिक काल के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वरुण। किस देवता को समुद्र का देवता कहा गया है? वरुण। किस देवता को सृष्टि का नियामक कहा गया है? वरुण। किस देवता को दिन रात का कर्ता धर्ता कहा गया है? वरुण को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन, कई बार पूछा जा चुका है कि सृष्टि का नियामक किस देवता को कहा गया है? वरुण। दिन रात का कर्ता धर्ता किस देवता को कहा गया है? वरुण को कहा गया है, वरुण को कहा गया है। समुद्र का देवता किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है छतगन, इसलिए आपको वरुण से जुड़े हुए हर पहलू को याद रखना होगा। ये जल के भी देवता थे, पानी के भी देवता थे, ध्यान रखेंगे। अगले देवता का नाम लिखेंगे सोम, सोम देवता। देखिए ये वनस्पति के देवता थे, इनका वर्णन
ऋग्वेद के नवम मंडल में मिलता है। सोम रस, मधुरस, मदिरा के रूप में वैदिक सभ्यता के लोग सेवन करते थे। नेक्स्ट, अगले देवता का नाम लिखेंगे छतगन, धौ। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? नवम मंडल में मिलता है। सोम देवता किसके देवता थे? वनस्पति के देवता थे, मादक पदार्थों के देवता थे। सोमरस, शक्तिरस, मधुरस, जो कि मादक पदार्थ बनता था, छतगन पेय पदार्थ था, मदिरा था, उसके देवता थे सोम देवता। ऋग्वेद के नवम मंडल में इनका वर्णन मिलता है सोम देवता का। ये वनस्पति के, मदिरा के देवता थे, जिन्हें आर्य लोग मदिरा के रूप में मदिरा पान करते थे। छतगन सोम देवता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखेगा छतगन धौ। धौ लिखे, ये आकाश के देवता थे। इन्हें सबसे प्राचीनतम देवता कहा जाता है। पूछेगा ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीनतम देवता कौन थे? धौ थे। ये क्या चीज के देवता थे? आकाश के देवता थे। छतगन इन्हें भी आपको याद रखना होगा, इन्हें भी मनन करना होगा, इन्हें भी याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे छतगन पूषण लिखिए। ये पशुओं के देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता बना दिया गया। पूछेगा कौन से ऐसे देवता थे जो ऋग्वैदिक काल में तो पशुओं के देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता बना दिया गया था? पूषण थे। ध्यान रखेंगे छतगन, यह भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है। नेक्स्ट आएंगे छतगन मारुत लिखेगा छतगन। ये आंधी तूफान के देवता थे। नेक्स्ट उषा, ये प्रगति तथा उत्थान, प्रगति तथा उत्थान से संबंधित थे। अश्विन ये विपत्तियों को हरने वाले देवता थे।
ये है छठगण। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक दशा, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जो है छठगण, ये आपको देवतागणों की का परिचय है, जिसे आपको छठगण याद रखना होगा और एक एक चीज़ों को छठगण मनन करना होगा, एक एक चीज़ों को याद रखना होगा, एक एक चीज़ों को गौर करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छठगण, ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी। नेक्स्ट लिखेगा ऋग्वैदिककालीन भौगोलिक दशा, ऋग्वैदिककालीन भौगोलिक दशा, दशा लिखेंगे छठगण। छठगण ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को आपको याद रखना है, और इसके बाद हम लोग छठगण अब जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक दशा, है ना। ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक दशा के बारे में हम लोग छठगण जानेंगे, गौर कीजिएगा। छठगण हेडिंग बनाइएगा ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, लिखिए। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन मिलता है, मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, नदी सरस्वती थी, सरस्वती थी, जिसे नदियों की माता, नदियों की माता भी कहा जाता है, नदियों की माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार तथा गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, हुआ है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में गंडक नदी को सदा नीरा, सदा नीरा कहा जाता था, सदा नीरा कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां और उनके प्राचीनतम नाम निम्न हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां और उनके प्राचीनतम नाम निम्न हैं। देखेंगे छठगण, नंबर 1 सिंधु नदी, सिंधु नदी लिखेंगे छठगण। इसका प्राचीन नाम इंडस था। नेक्स्ट, अगले नदी का नाम लिखेंगे छठगण,
चिनाब, चिनाब इसका प्राचीन नाम अस्किनी था, प्राचीन नाम अस्किनी था। नेक्स्ट, अगले नदी का नाम लिखेंगे छदगन, व्यास, व्यास इसका प्राचीन नाम विपासा था, व्यास इसका प्राचीन नाम विपासा था। नेक्स्ट, अगले नदी का नाम लिखेंगे रावी, रावी इसका प्राचीन नाम परुष्णी था, परुष्णी इसी नदी के किनारे दासराग युद्ध हुआ था छतगन, ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने अभी आपको दासराग युद्ध में बतलाया था, परुष्णी या रावी नदी, ध्यान दीजिएगा छतगन। नेक्स्ट, अगले नदी का नाम लिखेंगे छतगन काबुल, काबुल इसका प्राचीन नाम कुंभा था, कुंभा था। नेक्स्ट, सतलज, अगले नदी का नाम लिखेंगे सतलज, इसका प्राचीन नाम सुतुद्री था, सुतुद्री था। नेक्स्ट, झेलम, झेलम जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से बहती है छतगन, झेलम इसका प्राचीन नाम वितस्ता था, नाम वितस्ता था। नेक्स्ट लिखेंगे छतगन, गंडक आपने लिख लिया है, नेक्स्ट लिखेगा घग्घर, घग्घर नदी इसका प्राचीन नाम दृष्द्वती था, दृष्द्वती था। नेक्स्ट, अगले नदी का नाम लिखेंगे छतगन गोमल, गोमल इसका प्राचीन नाम गोमती था, गोमल इसका प्राचीन नाम गोमती था, था। यह है छतगन ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां और उससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। क्या सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे छतगन, ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु नदी। किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में मिलता है छतगन, ध्यान रखिएगा। छतगन, नदियों की माता किस नदी को कहा जाता है? सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल की कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी छतगन, ये नदियों की माता कहलाती है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है छतगन, इसलिए आपकी इस पर पैनी निगाहें होनी चाहिए, ध्यान देना होगा। छतगन, गंगा नदी जो वर्तमान की सबसे पवित्र नदी है, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मात्र एक बार मिलता है छतगन। यमुना नदी का उल्लेख केवल तीन बार मिलता है। गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता था, यह भी ध्यान रखिएगा। किन किन नदियों के प्राचीनतम नाम क्या हैं? इनसे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। दे देगा खंड क को खंड ख से मिलान करें, खंड का में चार नदी का नाम दे देगा छतगन, खंड ख में उसका प्राचीन नाम दे देगा। अब बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए, तो छतगन जब तक आप नहीं जानोगे कि किस नदी का प्राचीन नाम क्या है ना, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है ना, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तब तक ऐसे प्रश्न आपसे छतगन नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको नदियों के प्राचीनतम नामों को याद रखना होगा कि किस नदी का प्राचीनतम नाम क्या है। इससे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, प्लस नदियों की माता किसे कहा जाता है, इससे भी सवाल आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। अब छतगन, हम लोग ऋग्वैदिक काल के एक नए टॉपिक की ओर प्रवेश करेंगे, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। हेडिंग बनेगी आपके नोट्स कॉपी में,
ऋग्वेदी कालीन अर्थव्यवस्था, लाल या हरा कलम से छतगन और ब्लू या ब्लैक पेन से आपको नोट्स लिखना है। छतगन ऋग्वेदी कालीन भौगोलिक अवस्था के बाद हम लोग आएंगे ऋग्वेदी कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। हेडिंग बनाएगा छतगन ऋग्वेदी कालीन अर्थव्यवस्था, ऋग्वेदी कालीन अर्थव्यवस्था, लाल या हरा कलम से छतगन हेडिंग बनेगा, ब्लू या ब्लैक पेन से नोट्स आपके बनेंगे, ब्लू या ब्लैक पेन से लिखेंगे तीर का निशान देके। ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, आधार पशुपालन एवं कृषि था, पशुपालन एवं कृषि था, था। नेक्स्ट तीर का निशान, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, थी। नेक्स्ट, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी, होती थी, उसे उतना ही संपन्न माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय होती थी उसे उतना ही संपन्न माना जाता था, माना जाता था। नेक्स्ट, गाय को अघन्या अर्थात न मारने योग्य, योग्य कहा जाता था, न मारने योग्य कहा जाता था, जाता था। तो छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, ऋग्वेदी कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन एवं कृषि। पहले पशुपालन था छतगन, ध्यान रखिएगा, है ना, एवं कृषि मैं बता रहा हूं क्योंकि उत्तरवैदिक काल में चेंज हो जाएगा छतगन, पहले कृषि आ जाएगी क्योंकि लोहे का आविष्कार उत्तरवैदिक काल में हुआ था, ऋग्वेदी काल में नहीं हुआ था छतगन। इसलिए ऋग्वेदी काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन, सेकेंड नंबर पे आता है कृषि, इसलिए मैंने कहा पशुपालन एवं कृषि ध्यान रखेंगे। ऋग्वेदी काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी जिसके पास गेहूं है उसने चावल वाले को चावल गेहूं दे दिया, उसे चावल ले लिया, जिसके पास चावल है उसने सब्जी वाले को चावल दे दिया, उसे सब्जी ले ली, जिसके पास दूध है ना, उसने चावल वाले को दूध दे दिया, उसके बदले में चावल ले लिया, ऐसे चलता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वस्तु विनिमय प्रणाली थी। गाय को संपत्ति का आधार माना जाता था छतगन, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वह उतना ही धनवान माना जाता था। जैसे आजकल हम लोग कैसे कहते हैं करोड़पति है, या अरबपति है, या लखपति है, या मिलियन पति है, ट्रिलियन पति है, लेकिन छतगन उस समय कहा जाता था जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वह उतना ही संपत्तिवान, साधन संपन्न व्यक्ति माना जाता था, ध्यान रखेंगे छतगन। छतगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, जो याद रखना है, जो मनन करना है, जो अध्ययन करना है, जो स्मरण करना है, और एक एक चीजों को छतगन गौर करना है, एक एक चीजों को याद रखना है, एक एक चीजों को मनन करना होगा। छतगन आपको याद रखना होगा कि गाय को अघन्या कहा गया है, अघन्या अर्थात न मारने योग्य, अर्थात गाय सबसे पवित्र मानी जाती थी छतगन, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो छतगन ऋग्वेदी कालीन अर्थव्यवस्था से भी सवाल पूछे जाते हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। आज छतगन कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, पुनः अगली कक्षाओं में हम लोग ऋग्वेदी काल, उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीष, अलविदा।